नौजवान लोग को हताश होने की जरूरत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत ही अहम है क्योंकि मुद्दा हमारे अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है। हाँ, सबसे अहम बात यह है कि एक लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है उस पर विचार विमर्श चल रहा है, बैठकें चल रही हैं और अनुमान ये लगाया जाता रहा है कि बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट किसानों को दे दिया जाएगा। लेकिन जिस जिस तरह से समय बीतता गया, एक साल पूरे हो गए हैं और अभी तक किसानों को ये नहीं पता है कि आखिर वो कब तक सड़क पर रहेंगे और कब आखिरी बार सरकार से उनकी बात होगी जब इसका निष्कर्ष निकल आएगा। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि आखिर कृषि कानून में ये जो पॉइंट्स बनाए गए हैं ये पॉइंट्स पर सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है, उन्हें बदलना क्यों नहीं चाहती है। और इस लड़ाई के एक साल पूरा हो जाने पर भी आज अगर हम बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जहां बीजेपी मना रही है तो दूसरी तरफ किसान इस दिन को किसान विरोधी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज भी कई जगहों पर जो किसान हैं वो सरकार को अपना विरोध जताते हुए नजर आए। इसके पहले कुछ दिनों पहले भी अगर उत्तर प्रदेश में बताएं तो कई सारे किसान संगठन जो थे वो मुजफ्फरनगर में इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक बड़े पैमाने पर जो किसान पंचायत थी वो आयोजित करी गई थी, जिसके बाद बीजेपी या फिर अगर हम बताएं तो सत्ता दल की तरफ से भी ये जवाब आया था कि मुट्ठी भर किसान हैं, बाकी विपक्षी दल हैं जो इस पूरे मामले को आग देने में लगे हुए हैं। किसान हमारे साथ है, हम किसानों के घर घर तक जाएंगे, हमने किसानों को जितना भुगतान कर दिया है उतना भुगतान किसी ने अभी तक नहीं किया है, किसानों के लिए हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कोई भी सत्र होता है तो 1 किलोमीटर का दायरा जो होता है वहां पर बैरिकेडिंग इसलिए लगा दी जाती है कि किसान गन्ना लेकर ना आ जाए, किसान ट्रैक्टर लेकर ना आ जाए, किसान आलू लेकर ना आ जाए। और इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात बताएं तो दिल्ली की बॉर्डर अभी भी सील करी गई है ताकि किसान इधर से उधर ना हो। एक लंबा समय किसानों को बीत चुका है अपना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं मिला। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, कई बार किसानों से बातें समझी गई हैं, कई बार सरकार ने अपनी बातें समझाई हैं, लेकिन निष्कर्ष कब निकलेगा ये आम जनता भी जानना चाहती है, ये किसान भी जानना चाहते हैं, संगठन भी जानना चाहते हैं। अहम बात यह है कि जिन किसानों को मुट्ठी भर किसान कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनके साथ विपक्षी दल हैं, उन किसानों ने भी ये बात कही है कि हम मुट्ठी भर नहीं है और हमें किसी विपक्षी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, हम अकेले अपनी बात मनवा कर रहेंगे। लेकिन सरकार को ये बात कब समझ आएगी ये देखना अहम होगा। बहरहाल 22 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल मुहाने पर है और ऐसे में ये किसान का जो वोट है ये किस पाले में जाएगा अगर किसानों की बात नहीं मानी गई, और अगर किसानों को बीजेपी नहीं मना पाती है तो वो क्या करेगी। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर कृषि कानून के जो एक साल पूरे हुए हैं आखिर क्यों किसान आज के दिन को, जबकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो आज किसान विरोधी दिवस मना रहे। इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को आज एक साल पूरा हो गया है, वहीं इस आंदोलन की शुरुआत को भी लगभग आज एक साल पूरा हो गया। कई वार्ताएं विफल हुई, कई बार बात बनती नजर आई, लेकिन फिर वहीं आकर सरकार और किसान संगठन खड़े नजर आए जहां से शुरुआत हुई। आज भी किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े हैं कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, वहीं सरकार भी इस बात पर अड़ी है कि निरस्त तो एक भी कानून नहीं होगा, भले ही उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। दिल्ली का विज्ञान भवन इस बात का गवाह रहा है। आज कृषि कानूनों के एक साल पूरे होने के मौके पर शिरोमणि अकाली दल किसान संगठनों के साथ मिलकर संसद तक विरोध मार्च निकाल रहा है। कई राजनीतिक दल उनका साथ इस विरोध मार्च में दे रहे हैं। अगर एक साल के पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि इस किसान आंदोलन में कई बार उतार चढ़ाव आए। इस आंदोलन में आंसू भी दिखे, उपद्रव भी दिखा, लाठी खाते पुलिस वाले और किसान भी दिखे। एक समय यह आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, सरकार को लगा वो जीत गई,
लेकिन तभी राकेश टिकैत के आंसू छलके और बाजी पलट गई। फिर क्या, सरकार एक कदम आगे बढ़ी थी लेकिन उसे दो कदम पीछे हटना पड़ा। वही किसान आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आया। बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जो कुछ लाल किले पर हुआ वो इस आंदोलन को एक बड़ा धब्बा दे गया। किसान आंदोलन की बहुत हद भी राकेश टिकैत को अपने आंखों से इस धब्बे को धोना पड़ा। लेकिन आज अगर किसान आंदोलन की तस्वीर पर नजर डालें तो किसान आंदोलन कुछ अलग सा, कुछ राजनीति सा, कुछ अनसुलझा, अनकहा, अनसुना सा नजर आ रहा है। राकेश टिकैत का बार बार कहना कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंक देंगे कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है। खैर, ये बात कहने को यूं ही मजबूर नहीं होना पड़ रहा, बल्कि जिस तरह से विपक्षी दल इस आंदोलन में कसरत करते नजर आ रहे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले चुका है। याद करिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव था और राकेश टिकैत बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ बंगाल पहुंचे थे। वहीं अब यूपी में भी इसकी झलक जल्दी ही देखने को मिल सकती है। लेकिन कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती बल्कि दोनों हाथ मिलकर थाप देते हैं। बस यही बात इस आंदोलन में दोनों तरफ से नजर आ रही है। दो विपरीत छोरों पर खड़े पक्ष कैसे मिलेंगे ये बड़ी बात। सरकार किसानों को समझना नहीं चाह रही है और किसान ये बात समझना नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी कानून रद्द करने के लिए नहीं लाया जाता है बल्कि संविधान में संशोधन का प्रावधान है, उसी संशोधन के रास्ते से बात बन सकती है। ये बात किसान संगठनों को समझनी हो कि क्यों लगभग 13 बार की बातचीत विफल हुई, क्यों नहीं आगे बातचीत का रास्ता दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं सरकार और किसान संगठन एक दूसरे की मजबूरी और सोच को समझ रहे हैं। किसान संगठनों को ये बात समझनी हो कि आखिर आंदोलन कितना लंबा चलेगा और बीजेपी को सत्ता से हटाकर क्या मिल जाएगा। और सरकार को भी ये बात समझनी होगी कि किसान संगठनों को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा और कब तक उनकी बातों को कान बंद करके सुना जाएगा। चलिए दो लाइन इस पर सुन लीजिए। ये लाइन किसानों के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर सटीक बैठती है कि किसानों का हाल हमेशा बदहाल होता है, किसानों का हाल हमेशा बदहाल होता है, सरकार कोई भी हो सिर्फ बवाल होता है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हम उनसे आपका तारुफ कराते हैं। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से हैं, इस वक्त वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हरनाम सिंह जी हैं जो कि किसान नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं। इसके अलावा संतोष यादव जी जो कि प्रदेश महासचिव हैं RLD में। देखिए, अगर हम आपको बताएं, एक साल आज कृषि कानून के हो चुके हैं, तो अगर इस पर एक नज़र डाली जाए तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 14 सितंबर को संसद में इस बिल को लाया गया था, उसके बाद 17 सितंबर को लोकसभा में लाया गया था, 3 नवंबर को कहीं ना कहीं जो किसान थे वो जान चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद प्रदर्शनों की जो शुरुआत थी वो लगभग शुरू हो रही थी और 25 नवंबर को किसान दिल्ली कूच कर चुका था, जहां पर बॉर्डरें सील कर दी गई थी और उसके बाद से किसान लगातार दिल्ली में बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों के जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, और इसके अलावा अन्य प्रदेशों के भी किसान जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट भी मांगता है कि इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट बनाकर दी जाए, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। 26 जनवरी को किसान यूनियन और किसान जो थे वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर जो भी होता वो सबको पता है। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन रिपोर्ट जब सौंपी गई तो वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है और तब से लेकर अब तक जो बवाल है वो लगभग चल रहा है और अब तक कितने दिनों तक चलेगा ये भी अभी नहीं पता, क्योंकि सरकार अब इस पर बिल्कुल भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार का ये कहना है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो विपक्षी हैं, लेकिन
वो मुट्ठी भर लोग नहीं है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा किसानों का मानना है। तो चलिए आज की डिबेट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरनाम सिंह जी के पास चलेंगे। हरनाम जी, आप लोग मुट्ठी भर लोग हैं और लगातार आप लोग इस तरह के बवाल काटे पड़े हैं, सरकार का कहना है, आप लोग को लगातार जो किसान है उन्हें भी भड़का रहे हैं, क्यों भाई? मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस देश का कोई नागरिक है, अगर मुट्ठी भर है, तो क्या सरकार उनसे बात नहीं करेगी, उनकी बातों को सुनेगी नहीं? 10 महीने पूरे हो रहे हैं और किसान दिल्ली टिकरी और मतलब चारों तरफ दिल्ली के किसान बैठा है। 10 महीने वर्तमान अगर कोई सरकार हो तो कोई कार्यक्रम नहीं चला सकती है। ये जीरो बजट से आंदोलन चल रहा है, सबके सहयोग से चल रहा है। अभी आपकी रिपोर्ट में मैं बहुत सारी चीज़ें सुन रहा था। ये शुद्ध किसान आंदोलन है, ना इसमें किसी राजनीतिक दल की भागीदारी है और ना कोई राजनीतिक दल हमारे साथ इतने दिन खड़ा रहेगा। और हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि सरकार को जब भी समझ आ जाए तो फिर से दोबारा बात कर ले। बात चाहे 2022 चुनाव के पहले करे, चाहे 2022 चुनाव। बातें आ रही हैं कि अभी बंगाल में जब चुनाव था तो राकेश टिकैत जी वहां गए, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है तो इसलिए उनके राजनीतिक बयान आ रहे हैं। क्या इस देश में किसान को कोई राजनीतिक बयान देने का अधिकार नहीं है? क्या हम अगर कोई हम वोट दे सकते हैं, सिर्फ वोट दे सकते हैं? डीजल महंगा हो गया तो हम नहीं बोल सकते हैं? बिजली की दरें महंगी हो गई, हम नहीं बोल सकते हैं? इंजन ट्रैक्टर के पार्ट्स महंगे हो गए, हम नहीं बोल सकते हैं? गन्ने का 4.5 साल में एक आना पैसा सरकार ने नहीं बढ़ाया, ये कहते इतने करोड़ हमने भुगतान कर दिया। अरे भुगतान कर दिया, आप बताओ कोई इस देश की कोई कंपनी हो, एक कंपनी का आप नाम ले लो, किसी कंपनी का पैसा बाकी हो? कंपनी का पैसा बाकी होगा तो हमारा टैक्स का पैसा बैंक में उस या तो कर्जदार होगा, अडानी अंबानी होगा। हम दो, हमारे दो का कोई प्रधानमंत्री का, इस देश की वर्तमान सरकार मोदी सरकार का होगा। और मैं एक बात बता दूं, अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो जरूर अब तक बात हो गई होती है। लेकिन आज इस देश में सरकार है व्यापारियों की, बनियों की। वो बनिया जो इस देश का रेल खरीद रहे हैं, हवाई जहाज के, मतलब आपने देख लिया, इस देश में कानून बाद में आए, गोदाम पहले बन गए। और तो हमारे आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा कि सरकार कहीं ना कहीं से आप लोगों को बुलाकर फिर बात करने वाली है, क्या करेंगे आगे? ना सरकार बात करे, हम कहां कहने जा रहे हैं। जब जब कोई बात आई उन्होंने कहा कि हम एक फोन कॉल दूरी पे हैं, हम तैयार हैं, वो दरवाजा बता दो, कब बात होगी? आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप लोग कहां मना रहे हैं? आप लोग तो किसान विरोधी दिवस मना रहे हैं। नहीं, कैसे मना ले? जिस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा हो, वो जन्मदिन मना रहे हैं। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, वो जन्मदिन मनाए। हम किसान हैं, इतना मौसम खराब हुआ देख लिया, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है जो बरसात हुई है। हमारा धान, दलहन, तिलहन, गन्ना, जितनी फसल थी सब सत्यानाश हो गई, लेकिन सरकार का एक बयान आया, कोई बयान आया? किसान को मुआवजा मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी। अच्छा, ये यूपी सरकार क्यों कहती है कि हमने जो किसानों के लिए कर दिया वो बीती सरकारों ने नहीं किया, ना कोई आने वाले दिनों में कर पाएगा? हमने जितना भुगतान कर दिया उतना भुगतान कोई नहीं कर पाएगा। हमने बिजली के लिए भी काफी कुछ किसानों के लिए सहायता करी है, हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है, उस पर हम फोकस करते हैं, तो ये सब क्यों कहते हैं जब आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? बीजेपी का कोई है आदमी? हाँ, वो जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ, जुड़ रहे हैं। उनसे एक बात पूछ लो कि जब सत्ता में आए थे तो बिजली की दरें क्या थी, डीजल की दरें क्या थी, ट्रैक्टर कितने का था, गन्ने का, और ये जो बार बार कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों का हमने कर्जा, वो गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ सरलता पूर्वक, हमको, मैंने भी जो बात कही है, हमने जो गन्ना दिया है उसका भुगतान हुआ है? इन्होंने कहा था कि 1 लाख तक किसान को बिना ब्याज के पैसे दिए जाएंगे, जरा वो आंकड़ा इनसे पूछ लो, आप ही पूछ लो। अच्छा, हाँ, वो भी जुड़ेंगे, अब उनसे पूछते हैं भी, तो हम ये जानना चाहते हैं, ये काम बता दें। गड्ढा मुक्त की इन्होंने बात किया, इन्होंने स्वास्थ्य की बात किया,
इन्होंने सुरक्षा की बात किया, इस सारे मुद्दे पे डिबेट करा दो आमने सामने बैठ के, और ये कैमरे के अंदर होनी चाहिए बात, सरलता पूर्वक बात होनी चाहिए। वो आंकड़े लेके बैठ जाए, हम आंकड़े लेके बैठ जाए, ये आधे घंटे एक घंटे की डिबेट का मुद्दा नहीं है। आजादी के बाद कितनी मतलब 650 किसान 650 किसान शहीद हो गए और देश के प्रधानमंत्री जन्म दिवस मना रहे हैं। अभी एक अडानी की मुर्गी मर जाए, कुत्ते को बुखार आ जाए तो दवा लेने चले जाएंगे, लेकिन आज किसान मर गए। एक पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का एक बयान नहीं आया कि किसानों के प्रति कोई बयान दे देते। चलिए हम आपके बाकी मेहमानों को भी जोड़ते हैं जो आपके साथ हैं। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आरएलडी का क्या पक्ष है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि कई सारे जो किसान आंदोलन हुए आप लोग शुरुआत से ही लगातार पश्चिम में काफी मजबूत हैं और कहीं ना कहीं उससे आप लोगों को भी काफी ताकत मिली है। 22 में अगर उससे पहले ये किसानों की जो मांगे हैं या उस पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता, नहीं करती है सरकार, या कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो आप लोग किस तरह से किसानों की बातों को लेकर सड़क पर आने वाले हैं या क्या रणनीति तय करी है आप लोगों ने? देखो, हमारी पार्टी जो है वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने वाली है, और चौधरी चरण सिंह को किसान मसीहा कहा गया है, ठीक है, तो हम तो किसान के साथ है, किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमलेबाजी करके, जैसे आपने भी बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि मैंने जो कुछ दे दिया वो भविष्य की सरकारें ना दे पाएंगे, ना पिछली सरकारों ने दिया है, तो मेरा तो ये कहना है कि जो जुमला इन्होंने छोड़ दिया है वो जुमला भविष्य की कोई सरकार दे नहीं पाएगी और पिछली सरकार किसी ने छोड़ा नहीं है। अब आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन्होंने ये कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे और लागत मूल्य का 1.5 गुना उसके पहले दे देंगे। आज की स्थिति क्या है, कृषि की स्थिति यह है कि लागत मूल्य, कृषि की जो फसल है, फसल का लागत मूल्य बढ़ गया है, डीजल का रेट बढ़ा तो ट्रैक्टर की जुताई बढ़ गई, इंजन की सिंचाई बढ़ गई, खाद में आपने देखा होगा कि जो 50 किलो की बोरी आती थी वो बोरी आज 45 किलो की हो गई, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, देखो ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये किसी जनता की सरकार नहीं है, इन लोगों ने वो काम किया है जो अडानी अंबानी को फायदा हो, किसान का एक नए पैसे का फायदा होने वाला नहीं है इनकी सरकार से। जैसे अभी हमारे नेता हरनाम सिंह जी ने बताया कि भाई यहां तो ये हो रहा है कि जो ये जो किसान ड्राफ्ट बना है, किसान बिल जो बना है, इसको तो अडानी अंबानी ने ड्राफ्ट करवा दिया और बैकडोर से जो है पार्लियामेंट में पास करा दिया गया। कारण क्या कि आप देखें कि उनके गोदाम पहले बन गए, गोदाम आप उन्होंने पहले बना लिए, भंडारण के गोदाम बन गए और कानून बाद में आया, तो ये कैसे माना जाए कि हमारी सरकार जो है ये बिल ला रही है या सरकार हमारे कानून बना रही है? अच्छा, तो क्या इन सारे खुलासों के बाद ही ये बैठकें जो हो रही थी इसीलिए बंद हो गई क्या? वो नहीं, खुलासे देखो, जब आमने सामने बात होगी तो किसान अपनी बात रखेगा। अब किसान की बात का इनके पास कोई जवाब तो है नहीं भाई, किसान के इनके पास कोई जवाब नहीं। इन्होंने तो ये कहा था कि इनका डीजल, प्रधानमंत्री जी का अगर भाषण सुनेंगे तो डीजल पेट्रोल के सस्ते दाम की इन्होंने बात की थी, इस पे इन्होंने कई बार आंदोलन भी, जब ये सरकार में नहीं तो इन्होंने कई बार आंदोलन किया, लेकिन आज डीजल पेट्रोल और गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये देश की जनता कहां जाए, देश की जनता सरकार से ही तो अपने सवाल खड़ा करेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और किसान बिल्कुल 10 महीने से जाड़ा उसने झेला, बरसात झेली, गर्मी झेला, और उनके ऊपर आरोप क्या लगे कि साहब ये तो खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये किसान नहीं हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनको किसानी से कोई लेना देना नहीं। आम किसान की आवाज है वो, जो किसान दिल्ली के दरबार में बैठे हैं, जिन्होंने आंदोलन कर रखा है, जो अपनी बात कर रहे हैं, वो आम किसान की आवाज है। आम किसान इस लायक नहीं है, उसकी ये हैसियत नहीं कि वो दिल्ली में 10 महीने बैठ जाए। आम किसान की स्थिति तो ये है कि वो अगर 10 क्विंटल गेहूं, छोटे छोटे किसान ने 10 क्विंटल गेहूं पैदा करता है अगर, तो 5 को बेच के वो धान की फसल लगाता है, और उसका गेहूं जब बिकता है तो आप अंदाजा लगाइए कि वो MSP पे नहीं बिकता है, वो 12 से 14 रुपए किलो बिकेगा। उसकी मजबूरी है कि धान लगाना है तो गेहूं बेच के धान लगाएगा, फिर जब धान का नंबर आता है तो भले MSP जो कुछ हो फिर धान उसका सस्ता बिक जाता है। तो उसके सामने तो समस्या यह है कि जो ये कह रहे हैं कि हमने खोल दिया है मंडी, चाहे आप केरल में बेचिए, चाहे स्विट्जरलैंड में ले जा करके बेचिए, चाहे इंग्लैंड में ले जा करके अपनी फसल बेचिए, तो ये बात यह है कि यूपी का, लखनऊ का किसान, या लखनऊ का किसान कोई जाए कि केरल में अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, वहां महंगा है, तो हमको केवल 5 क्विंटल गेहूं बेचना है। अब 5 क्विंटल गेहूं लेकर के हम केरल तो नहीं जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो किराए का दाम आ जाएगा,
और फिर वहां बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसमें जैसे सरकार लगा देती है धान बेचने जाओ आप एमएसपी पे, उनके केंद्र पे जाइए, तो वो कहेंगे इसमें नमी है आपके धान में, आपके धान में नमी इसलिए हम ले नहीं सकते हैं। गेहूं लेके जाओ तो गेहूं में कहेंगे ये तो बारीक गेहूं है, मोटा गेहूं नहीं, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। किसान की फसल पे इतने आरोप लगाए जाते हैं कि किसान की फसल केंद्र पे नहीं बिकती है, और वही आरोप जब किसान हम 14 रुपए में बेच देते हैं, 12 रुपए में बेच देते हैं, तो वही बनिया लेकर के उसी केंद्र पे जाता है और एमएसपी को खरीद लिया जाता है। अच्छा। तो बात तो यह है कि हमारी जो सरकार है किसानों की तरफ बिल्कुल देख नहीं रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है, किसानों की तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और 10 महीने से बैठे किसान से वार्ता करने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है हमारी सरकार की। चलिए हम कांग्रेस के पास चलेंगे, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, आज एक साल पूरा हो रहा है और सरकार पहले तो कहीं ना कहीं बुलाकर बैठकें भी कर रही थी, चर्चा भी कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया, और दूसरी तरफ अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ है, किसान हमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, और ये कुछ विपक्षी लोग हैं जो लगातार इस तरह के जो मामले हैं या इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको भड़काने में लगे हुए हैं। तो आप लोग क्यों सरकार को इतना परेशान कर रहे हैं? दंभ और अहंकार में है, जो होना चाहिए वो नहीं कर रही है। सरकार का काम था कि किसानों से जितने वादे किए गए थे वो पूरे गए। इन्होंने वादे क्या किए थे वो मैं एक बार रिमाइंड करा दे दूं, क्योंकि यहाँ पर डिबेट में बैठे सभी लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही कि जुमलेबाज सरकार है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने वादा किया कि 14 दिन में ये किसानों गन्ने का भुगतान करवा देंगे, पर 14 करोड़ अभी भी बकाया है। इन्होंने कहा कि हम किसानों की जो बिजली का बिल है वो कम करवा देंगे, पर बिजली की बिल की दरें भी बढ़ा दी, और बिजली का बिल का जो ओवरऑल होता है 400 रुपए में मिलना चाहिए मिलता है, वो 315 रुपए की थी यूनिट, वो अब 415 रुपए में हो चुके। तो आप ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने किसानों के साथ जो जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी कर देंगे, पर दुगना क्या किया इन्होंने, लागत दुगनी कर दी। इन्होंने लागत में क्या दुगना किया, इन्होंने जो डीजल का प्राइस है वो बढ़ाया, किसान की जो बिजली यूज करता है वो उसका प्राइस बढ़ाया, और साथ में इन्होंने जो है किसानों के लिए जो कोई सुविधा नहीं दी। एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी अगर धान की 1400 या 1500 होती है पर किसान कितने में बेचता है, 1000 रुपए 1200 रुपए में बेचता है। गेहूं की जो एमएसपी है वो ये डिसाइड करते हैं 700 से 800, और किसान कितने में बेचता है, किसान बेचता है 400 और 500 में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो आवारा पशु है उनसे सबसे ज्यादा समस्या है, पर सरकार ने उस पर किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया और आज तक वो समस्या बनी हुई है जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी पराली की इन्होंने कल ही का किस्सा है कि इन्होंने पराली के लिए जिन किसानों पर नामजद कराया था उनको जो है इनकी कंप्लेंट वापस ले ली। तो मैं पूछना चाहती क्या किसानों से माफी मांगेंगी? उस समय जीत के घर से निकाल निकाल के इन्होंने जितने लोगों ने पराली जलाई थी उन पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, तो आप क्या ये माफी मांगेंगे उन किसानों से? अच्छा जी। या सिर्फ सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए कि उनका जो जुर्माना लगाया था वो वापस कर देंगे या उनसे जो कंप्लेन है वो वापस लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा? मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे वो भी नहीं दे पाई। सरकार ने कहा कि हम जो है आपके गन्ने का भुगतान करेंगे वो भी नहीं कर पाई। गन्ने का जो मूल्य था वो बढ़ाने की बात कही गई तो, पर गन्ने का मूल्य पिछले 4 सालों में तो नहीं बढ़ा, 10 रुपए जरूर इनके कार्यकाल में बढ़ा। जो इन्होंने वादा किया था कि हम 400 रुपए में देंगे वो अभी तक नहीं बढ़ा पाए। तो ये बताइए कि अब जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है, बल्कि स्थिति और गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से आप यहाँ पर बैठे किसान नेता बता रहे थे कि 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। इन्होंने कहा कि हम एक फोन कॉल अवे हैं, पर कंक्रीट की दीवारें किसने बनाई, कीले किसने लगाई, और तो और छोड़िए किसान के लिए इन्होंने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए, मवाली इस्तेमाल किया, इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं। तो वो तो किसान ही नहीं मान रहे ना, वो कह रहे वो किसान ही नहीं है। नहीं, किसान कभी कभी तो ये मान भी लेते हैं कि किसान है, ऐसा नहीं है। अब टीवी चैनल पे अभी डिबेट में बैठेंगे तो ये मानेंगे कि किसान है, लेकिन ये जब अपनी असलियत पे आते हैं तब ये कहते हैं किसान नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। ये कि जब और जब किसान नेता जब यहाँ पर आने की जब घोषणा करते हैं तो कार्टून के जरिए उनको डराया जाता है, उनके बाल पकड़ के उनके खींचे जाते हैं कि आप आएंगे तो यहाँ समझ लीजिए कि आपके साथ क्या किया जाए। तो आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और ये सारे किसान आज उनका जन्मदिन जो है एक विद्रोह के रूप में मना रहे हैं, तो ये शर्म की बात है हमारे लिए जी। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का किसान दुखी है और सरकार उसे सुन भी नहीं रही है। आप देखिए किस तरह से जो सेब का किसान था, कश्मीर की बात की जाए तो किस तरह से उसको अडानी ने धोखा दिया, जिस रेट पे उन्होंने लेना चाहिए था उस रेट पे भी नहीं लिया, बल्कि उसको बेचने के लिए वो 200
200-250 का बेचते हैं सिर्फ एक स्टिकर लगाकर। तो यही होने वाला है, ये एक लाइव एग्जांपल है कि होने वाला है पूरे देश में किसानों के साथ। जो असली फायदा है वो मिलेगा अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन को, और जो किसान है वो वही उसी स्थिति में पड़ा रहेगा। तो आप फसल बीमा योजना को ही देख लीजिए, उसका अच्छा, बेनिफिट किसको हुआ? अच्छा अच्छा मैं आऊंगा प्रियंका जी, फसल बीमा कंपनियों को हुआ। मैं आता हूँ प्रियंका जी आपके पास। किसान है वो, उसको अभी भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है जी। प्रियंका जी मैं आता हूँ, समस्याएं बहुत है और बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे उनसे, हाँ उनसे 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 कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से अभी हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। जल्दी जुड़ते हैं और उनसे सारे सवालों के जवाब लेंगे। हरनाम जी मैं आपके पास आऊंगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल हुई थी वहां पर, और उस पर उन्होंने कहा था कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए, और फिर उस कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है? हालांकि आप लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को एक पत्र भी लिखा गया था और कहा गया था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्या निकल कर आया है क्या निकल कर नहीं आया, लेकिन अभी तक उसको नहीं किया गया है। तो ये क्या कारण है, क्यों सरकार इसको छुपाने में लगी हुई है? नहीं, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में एक सदस्य तो ठीक 2-3 दिन के बाद उसमें छोड़ दिए थे, बाकी जो लोग थे वो रिपोर्ट बनाए हैं नहीं बनाए हैं, और बनी है तो सरकार को उसको सार्वजनिक करना चाहिए। नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है? शायद हो सकता उस कमेटी ने भी किसानों के पक्ष में, या जो किसानों की मुसीबत है जो परेशानी है उसको देखो ये 125 करोड़ से ज्यादा का देश है, विभिन्न वर्ग के यहाँ लोग रहते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि शायद वो, अगर कमेटी के जो सदस्य बचे हुए थे अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई होगी तो इस देश में 85% जो गांव में रहने वाला किसान है उसका हित देखकर उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी, या तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए होंगे। ये ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि अनाज खाने वाला कोई भी व्यक्ति, दूध पीने वाला कोई भी व्यक्ति, वो किसानों के साथ, मुझको लगता नहीं है कि दो लोग 70% इस देश के किसानों का हित रखते हुए रिपोर्ट बनाएंगे, और भाई अगर अहित रख देंगे तो भाई उनका भी राम मालिक है, हमारा भी राम मालिक। चलिए विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी आवाज मिल रही ना आपको मेरी? विवेक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। हाँ राम जी आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, कर लीजिए। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि किसानों का हित देखते हुए हम कहते हैं, हम देखो मैं सीधी से एक बात कह रहा हूं सरकार को, और जो हमारे मीडिया के तमाम साथी हैं, तमाम चैनल ऐसे हैं वो भी आज जब डिबेट पे जब बैठते हैं तो वो प्रवक्ता बन जाते हैं बीजेपी के। मुझे ना कहिएगा, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग आप भी देखते होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की जनता जब चुनाव आते हैं तो हम लोग, आप सब लोग वोट देते हैं, वो चुन के सरकार जाती है, और वो सरकार जब लोकसभा विधानसभा में कोई कानून बनाती है तो जैसे MSP है, इस बार आपने देखा होगा प्रति किलो 2.06 पैसे प्रति किलो उन्होंने बढ़ाया है। आप समझ लीजिए 2600 रुपया क्विंटल इन्होंने बढ़ाया है। बिजली की दरें क्या हो गई? मैं यही, देखो आपके माध्यम से मैं सरकार से और समाज से, किसानों से, मुट्ठी भर जो लोग कहते हैं, मुट्ठी भर कहे ना कि मुट्ठी भर लोग हैं, मैं कहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जो लोग गए थे वो क्या पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश के लोग थे? कितनी संख्या थी? वो 20-25 लाख लोग जो वहां 500 किलोमीटर तक भीड़ थी वो कौन लोग थे? मुट्ठी भर अगर किसान थे तो हम कहते हैं कि जब चुनाव का समय आया है तो बीजेपी 106 विधानसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहे थे, मैं गांव गांव कौन वो नाम रखे थे, वो गांव में जाएंगे किसानों से संवाद करेंगे मिलेंगे। देखो आज हालात, आशीर्वाद यात्रा बता, आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद जन यात्रा, फिर ये कोई संवाद यात्रा निकालेंगे, फिर न जाने कौन कौन यात्रा निकालेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सांसद और विधायक आज की डेट में गांव में जाने
कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। कारण क्या है? इन्होंने कहा कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसको 14 दिन में भुगतान होगा। ये कह रहे हैं, जैसे मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन 10,000 करोड़ के ऊपर हमारा किसानों का गन्ना बकाया है। क्या वो 14 दिन अगर पूर्ववर्ती सरकारों का इन्होंने बकाया दिया है, पिछले साल का अगर हमारा उससे पीछे का बकाया दिया है, तो हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि 14 दिन गन्ना के, अब तो नया खुलने जा रहा है गन्ने का, अभी शुरू होगा मिल, तो 14 दिन पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए? लखीमपुर शाहजहांपुर की भीड़ में देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बहनों भाइयों, जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान हुआ। वो 14 दिन क्या 140 दिन के बाद पूरे होते हैं। देखो, झूठ बोलना, हमारे वहां कहा जाता, हमारे माता पिता और हमारे गांव में, हमारे गांव में ये होता है कि भाई फला को बुला लाओ, वो सही बात कहते हैं, जो फैसला कर लेंगे हम मान लेंगे। हम किसानों ने, हम गांव ग्रामीण ने मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास किया, लेकिन ये भाई नहीं पता था कि ये अडानी और अंबानी की गोद में खेलेंगे और किसानों का, किसानों की बात सुनना। आप देख लो, 7 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री, इतने 500 संगठन है इस देश में, कितने संगठन को बुला के ये बात किए 7 साल में? सार्वजनिक बात नहीं करनी चाहिए थी? कहीं हमारे वाल्मीकि समाज में चले जाते हैं, अच्छी बात है, कहीं बता देते हैं कि इनके पिताजी के वहां अलीगढ़ का आदमी ताला बेच के पैसे जमा करने इनके घर जाता था। क्या क्या जुमले की बात है, आप देख लो, मतलब ये 50 साल पुरानी बात बताएंगे। कहीं ये बता देते हमारी डिग्री इतनी है, कहीं बता देते हम चाय बेचते थे, ना जाने क्या, समझ नहीं आता किस किस्म के व्यक्ति हैं भाई। हम तो गांव ग्रामीण के सीधे साधे आदमी, हम गन्ना गेहूं दाल चावल पैदा करने वाले लोग हैं भाई। हमारे साथ इतना भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना खिलवाड़ न करें, और जितना जितना इन्होंने हमारे साथ क्रियाक्रम कांड किया है, अगर इसका हिसाब ये 2022 के पहले ये 3 काले कानून वापस नहीं लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आंकड़े और मीडिया और इनके चाहने वाले जो भी लोग, जितने लोग हैं, चाहे जो कह रहे हो, इनकी संख्या विधायकों की 100 के नीचे आएगी। अच्छा, ये लिख लो। धमकी दे रहे हैं आप? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हूं कि अब अकल आ जाए। हम ही, हमने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि अरे नहीं, ये तो यार संत आदमी है यार, इनको बनाना चाहिए, बना दिए। लेकिन ये नहीं पता था कि ये हमारे साथ ये होने वाला है कि MSP कानून लाएंगे और गारंटी कानून का उसका दर्जा नहीं देंगे। मुर्गी किसी की मर जाए, किसी की बकरी मर जाए, तो उसका कानून ये बना देंगे। लेकिन हम अगर गेहूं में, ये हमको बताते हैं कि यहाँ लखनऊ का किसान जाके दिल्ली में बेच ले। अरे भैया, मैं आप जहां पर मैं बैठा हूं, यहां से मेरा 6 किलोमीटर गांव है। हमको अगर बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पे धान गेहूं अगर बेचने गोमती नगर में भी अगर लोहिया के सामने आना है, तो हमारी, हमारे जैसे किसानों की क्षमता नहीं है कि भाड़े का ट्रैक्टर, भाड़े का साधन करके वो जाके 4 दिन के लिए केंद्र पे जाके लाइन लगाए। वो भाड़ा हमारा 5 आने फायदा होना है, 15 रुपया जाना है। तो ये ना जाने क्या क्या बोल देते। अभी एक कौन इन्वेस्टर्स यहाँ समिट वो यहाँ पर इन्होंने व्यापारियों कहा था इतना रोजगार आएगा। शहीद पथ पे चले जाओ, गांव गांव देवा रोड पे चले जाओ, फैजाबाद रोड चले जाओ, संभाल के नहीं गए तो हाथ पैर टूट जाएगा, घर में बीवी बच्चे इलाज करते रहेंगे, पीछे वाला आके तुमको ठोंक देगा, चला जाएगा। ये इनका गड्ढा मुक्त है। हम देख रहे थे, अभी गए थे PGI देख। अच्छा, रहे आज आज बेरोजगारी दिवस भी मना रहे हैं सब है? हम तो बेरोजगार पहले से बैठे। चलिए, मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूंगा, आगे की क्या रणनीति है संतोष जी? क्या आप लोग जो 2022 का चुनाव है, उस चुनाव में उसके पहले अगर सरकार किसी भी तरह से बातचीत नहीं करती है या फिर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो क्या आगे की रणनीति आप लोगों ने तय करी हुई है और किस तरह से 2022 के चुनाव को देखा जाए? नहीं, 2022 का चुनाव जो होगा वो चुनाव तो जनता लड़ेगी। 2022 का चुनाव जनता लड़ेगी, जनता बनाम सरकार होगा, क्योंकि बीजेपी ने जितने भी वादे किए थे उसमें से एक भी खरा नहीं उतरा। इन्होंने कहा था कि हम हजारों लोगों को रोजगार देंगे,
एक भी रोजगार नहीं दिया। इन्होंने कहा था किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो नहीं किया। इन्होंने कहा था बिजली के दाम हम कम करेंगे, वो नहीं किया। डीजल पेट्रोल गैस के दाम करने का वादा करके आए थे, वो नहीं किया। तो इस बार तो जनता सरकार से चुनाव लड़ेगी, और जो हमारा किसान भाई दिल्ली में बैठा हुआ है, आप उसकी समस्या को अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर अगर एक दिन के लिए बैठा दिया जाए तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। और किसान 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहा है, तो उसकी अगर समस्या नहीं तो सौखिया तो वहां नहीं बैठा है। उनकी अच्छा, पश्चिम समस्या के क्या हालात है संतोष? नहीं, पश्चिम के हालात और पूरब के हालात में कोई अंतर नहीं है। सुनने में आता है कि बीजेपी के नेता जब वहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत नहीं होता है सही तरीके से। नहीं, बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं, देखो वहां पश्चिम के किसान थोड़ा सक्षम लोग हैं। अच्छा। और वो बीजेपी को बराबर उत्तर देने के लिए तैयार हैं। पूरब वाले भी सक्षम? पूरब, सुनो मेरी बात तो सुनो, पूरब के लोग थोड़ा छोटे किसान हैं, हम भी उसमें आते हैं, हम भी किसान हैं। हमारे यहाँ बहुत कम छोटी जोत के काश्तकार हैं। हम हरनाम सिंह दोनों लोग लखनऊ के निवासी हैं, छोटी छोटी जोत के काश्तकार हैं, तो हम दिल्ली में बैठने के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते हैं या उतने संसाधन के आदमी हम नहीं है। लेकिन अंतर आत्मा में हम किसान के साथ हैं। अगर किसान आंदोलन चल रहा है तो पूरब के किसानों के मन में आंदोलन चल रहा है कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन किसानों की बात के साथ हम खड़े रहेंगे। किसान जो कहेगा, आज की डेट में किसान जो कहेगा वही जनता करेगी। अच्छा। क्योंकि जनता बिल्कुल त्राहि त्राहि कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आप देख रहे हैं क्या कर रही है, चाहे भारत की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मोदी जी को और योगी जी को जनता का कोई लेना देना नहीं है। जनता से इनका कोई मतलब नहीं है, व्यापारियों से इनका लेना देना है। ये सब जो जन आशीर्वाद यात्रा और ये जन आशीर्वाद यात्रा, ये तो घोषणाएं हैं, टीवी पर चलाते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं। इनको ना कोई आशीर्वाद देने वाला है, ना इनकी कोई आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है। एक दिन गए तो थे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संजीव बालियान और इनके कोई विधायक जी, तो वहां आशीर्वाद तो दिया लोगों ने इनको, क्या आशीर्वाद दिया और माल्यार्पण भी किया। अच्छा। जो उनके पास होता है गोबर कीचड़ उससे उसका माल्यार्पण किया, उन्होंने स्वागत किया इनका। तो आने वाले समय में जब गांव में जाएंगे, किसान के बीच में जाएंगे, तो आज देखिए आलू का किसान वो परेशान, गेहूं का किसान परेशान, धान का किसान परेशान, मक्का का किसान परेशान, गन्ना का किसान परेशान। तो किसान जो पशुपालक हमारा है, जो पशुपालक है उसको आप देखिए कि छुट्टा जो जानवर है बीजेपी की सरकार में उसकी कोई देखरेख नहीं है। बल्कि ये आ गया है कि किसान अगर वो ब्लेडदार धार कोई तार बांधेगा अपने खेत में तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी। तो ये पोजीशन है कि किसान अपनी फसल बचाए रातों रात वो सांड से गाय से बचाने के लिए वहां पे लेटा हुआ है खेत में, उसको सांड मारे दे रहा है। चलिए बीजेपी के साथी जुड़ गए हैं, सारे सवालों के जवाब इनसे लेते हैं। विवेक जी आवाज मिल रही है आपको? विवेक जी के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि बीजेपी मिल रही है। विवेक जी ये बताइए, मैं ले लूं सवाल ले लूं। विवेक जी बड़े लंबे समय बाद जुड़े हैं। विवेक जी ये बताइए, क्या आप लोगों को कोई डरवर नहीं लग रहा भाई कि 2022 का चुनाव है और किसान आंदोलन कर रहा है, एक साल आज पूरा हो गया, कोई बातचीत आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने जो कर दिया किसानों के लिए वो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन किसान तो नाराज है। आप कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं, आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो भी है उन्हें कम से कम बुला के बातचीत तो करिए। कोशिश बहुत बार की, बातचीत लकीर के नहीं होती। सरकार ने बहुत खुले मन से उन्हें आमंत्रण दिया, बातचीत की टेबल पे बिठाया, बातचीत वरिष्ठ मंत्रियों ने की, और वो बातचीत करना नहीं चाहते। अच्छा। उसमें तख्तियां लेकर कौन नहीं करना चाहता? किसान नहीं करना चाहते कि आप लोग नहीं करना चाहते? नहीं, सरकार तो बहुत खुले मन से बातचीत कर रही है। अच्छा। जो तथा कथित अपने आप किसान नेता बता रहे हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। कौन तथा कथित है? नाम लीजिए किसानों का। ना ना, तथा कथित नाम तो लीजिए, कौन तथा कथित? मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि वो भारत किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अच्छा। वो कुछ लोगों के द्वारा फंडेड है और वो बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं? भारत किसान तो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। वो लोग हैं कौन विवेक जी, बता दीजिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए इस मंच पे। देखा कि किस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप पंजाब में आंदोलन ना करिए, हरियाणा और दिल्ली में करिए। अच्छा अच्छा, कांग्रेस वाले ये भी ना विवेक जी, कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि गन्ने का दाम जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया, महंगी बिजली से किसान परेशान है, ये सब चीजें नहीं दिखती हैं क्या? ये बिजली आज महंगी नहीं हुई, गन्ने का भुगतान जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बता दीजिए,
14 दिन बोला था, खैर वो तो जुमला था, मान लिया खुद ने जुमला मान लिया उसको, अभी बता दीजिए कितने दिन में। एक सवाल विवेक जी मेरा आपसे, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। विवेक जी हर हर नाम जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ पूछ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। मेरा आपसे है, करे हरनाम जी हमारे मित्र बड़े भाई बात कर। अरे तो ऐसे नहीं चलेगा ना, सवाल तो पूछेंगे भाई, आप भाई तेल मक्खन ना लगाइए। विवेक जी सिर्फ इतना बता, विवेक भाई सिर्फ इतना बता दो कि जब पीजीआई के पास वृंदावन में मेरा आंदोलन चलता था उस समय आप किसान मोर्चा के नेता हुआ करते थे, आज प्रवक्ता हैं, ठीक है? आप अपनी बुलोरो गाड़ी से, आप अपनी बुलोरो गाड़ी से हमारे धरने में बैठने जाते थे, जिगे तलाशते थे। मैं आज वही हरनाम सिंह हूं, हमने आपको चुन के लाया है। सुनो बहन जी, मैंने चुनको चुन के लाया है और बहुत बुरी तरीके से हटा देंगे, हम किसान सुद्धा है। 2011 में भारतीय जनता पार्टी की एक हैसियत नहीं थी, आज हैसियत नहीं थी उस समय, आज जिस तरीके की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, वो खेत वही है, खलिहान वही है, वो फावड़ा वही है, और लठ वही है, ट्रैक्टर वही है। चलिए जवाब लेते हैं। 2022 में 3 अंक पूरे नहीं होंगे, दिमाग से बहम निकाल दे उत्तर प्रदेश की सरकार, हम मर सकते हैं, फांसी के तख्ते पे चढ़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो मुझसे वादा किया था वो पूरे नहीं होंगे। तो 3 संख्या में आपके विधायकों की संख्या नहीं होगी, बहम निकाल दो। और कल बीजेपी के यही नेता हमारी दरी पे बैठने के लिए पीछे लाइन में खड़े होंगे। जवाब लेते हैं नाम जी। विवेक जी, जिनको आप मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 3 आंकड़े तक आपको नहीं पहुंचने देंगे, मतलब 100 तक नहीं पहुंच पाएंगे आपके विधायक। देखिए यही बात जो हर राजनीतिक वार्ता जब शुरू हो जाती है, यही विषय को समाधान की ओर जाने। जब भी ये अराजनीतिक आंदोलन चलाते रहे, हम सब खुद भी इनके जाकर के मंचों पे इनके मांगों का समर्थन करते रहे। अभी हरनाम जी ने खुद बताया, मैं इनके मांगों का समर्थन किया हूँ। आंदोलन को सुन लीजिए, आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा तो आप लोग भी बना रहे, कह रहे हैं कि ये कुछ विपक्षी दल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बरगला के लाए गए हैं, किसान नहीं है। हम भी बना रहे हैं, जो है वो दिख रहा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के जिस तरह से बोल रहे हैं और जिस तरह से वो इस आंदोलन को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो सबके सामने दिख रहा है। उसमें छिपाने दिखाने जैसे हमारे पास तो कुछ है नहीं। रही बात बातचीत की, जो 3 कानून बनाए गए उन कानूनों के विषय पे जो वार्ता के लिए इन्होंने कहा, बार बार सरकार ने वार्ता की बात की, आंदोलन आंदोलन देखिए आंदोलन की शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसान संगठनों की थी। उसमें कौन कौन लोग प्रवेश किए, वहां पे कश्मीर से लेके खालिस्तान से लेके 370 से लेके श्रीनगर तक की वार्ता होने लगी। अच्छा, तो आप स्वयं सोच रहे हैं कि वो आंदोलन किधर जा रहा। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन देता है आप लोगों को कि ये खालिस्तान के लोग आए हैं, यहाँ पे CNRC की बात हो रही है, ये रिपोर्टें कहाँ से मिलती हैं? क्योंकि हम लोग को जो पता चलता वो यही पता चलता कि किसान है। जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो सबके द्वारा देखे जा रहे हैं। अच्छा। अब किसान 26 जनवरी के दिन जा करके लाल झंडा थोड़ी उतारेगा, किसान भारत किसान से पैसे नहीं की जा सकती। अच्छा, जिन ऐसे किसान जिनकी भावनाएं देश के साथ है उनसे मांग के लिए बात करिए, बात से कोई पीछे नेता वरिष्ठ मंत्रियों की एक कमेटी आपसे बात करने की लगाई के बाद उसमें आप तक भी लेके जाएंगे या सारनों, इस तरह से कौन सी बात परिणाम तक पहुंचती है? अच्छा, वार्ता खुले तन से होनी चाहिए। प्रियंका जी कुछ जवाब देना चाह रही थी आपने जब कांग्रेस की बात कही है, प्रियंका जी क्या कह रही थी आप? देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और प्रतिबद्ध है कि किसानों का कर्ज माफ करेगी और किसानों का जो जानवरों की समस्या है उसका समाधान करेगी, बिजली का बिल माफ करेगी
और महिलाओं का सम्मान करेगी, सुरक्षा करेगी और हर हाथ में रोजगार देगी। ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा है। आप रही बीजेपी की बात, तो देखिए ये बीजेपी पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रही है, परंतु आज बेरोजगार बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, किसान विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप ये समझिए कि कौन खुश है। उत्तर प्रदेश में अगर छोटे व्यापारी से हाल पूछा जाए तो वो पूरी तरह से तंग आ चुका है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, डीजल पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर का प्राइस हो आप देखिए किस गति से बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस सिलेंडर में लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है। तो ये शर्म की बात है कि बीजेपी पार्टी इतनी निर्लज हो चुकी है आज कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो विरोध किसका कर रही है। जो उसके वोटर हैं जिन्होंने वोट देकर इन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, आज ये बेशर्म होकर ये पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि तुम किसान नहीं हो, तुम बेरोजगार नहीं हो और तुम्हें कोई गरीबी नहीं है, तुम्हारे पास नौकरी, और नौकरी का हाल देखिए आप, इन्होंने कहा हमने 4 से 5 लाख रोजगार बांट दिया। जब इनसे आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि भैया कहाँ कहाँ किस किस विभाग में रोजगार दिया, तो ये बताने में असमर्थ है। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं। आप देखिए कि इनको उत्तर प्रदेश का विकास दिखाने के लिए कलकत्ता से फोटो लगानी पड़ी, कलकत्ता के फ्लाईओवर की फोटो लगानी पड़ी और फैक्ट्री इन्होंने अमेरिका की उठा ली। ये शर्म की बात है उत्तर प्रदेश के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए। विवेक जी क्या कहेंगे, प्रियंका जी की बातें आपने सुनी है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आएगी और इस दौरान हमने जो किया हमारे काम सबके सामने, 70 सालों में इन्होंने किसानों के लिए क्या किया यही बता दे। आज किसान साल में चले जाते हैं भाई, आप एक साल का काम नहीं देख रहे कि एक साल में किसान क्यों नाराज बैठा, आप 70 साल पे चले जाते हैं। बेचने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लगातार आप बेचते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। 10-12 महीने चाहे आप रोडवेज बेचिए, चाहे आप रेलवे बेचिए, चाहे हॉस्पिटल बेचिए, चाहे सड़कें बेचिए, चाहे आप हवाई अड्डे बेचिए, कुछ भी बेचिए, सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। आपको शर्म आती है भला ये पूछते हुए कि 70 साल में क्या? हाँ विवेक जी, जो देखिए पहली बात तो बार बार जो प्रियंका जी कह रही, 70 सालों में कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? किसान आजादी के पहले भी जा करके खेत अपना रखाता था, आज भी जाने की जरूरत है, थोड़ा इतिहास भी पढ़ा करिए। ना ना सड़क आजाद हुआ था तो हम अनाज भी नहीं उगाते थे, सड़क पे नहीं बैठता था ना, ये तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी। ना ना किसान की बात हो रही है तो किसान सड़क पे नहीं बैठता था ना, ये तो पहली बार हुआ आजादी के बाद, इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हुआ है भारत में। और उसको आंदोलन ही मानने को तैयार है, ये तो कह रहे हैं कि ये तो किसान ही नहीं है, तो विपक्षी पार्टी बैठी हुई है, अब इनको फर्क नहीं आता, आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध ली है इन्होंने। हाँ विवेक, इसके पहले भी तमाम आंदोलन हुए हैं जिसको कांग्रेस सरकारों ने दमनात्मक तरीके से निपटा दिया। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर अब आपको किसान नहीं दिखते, मौका दे रही है। फैक्टर है सरप्राइजिंग, वो तो यही है ना कि आपको उस समय वो किसान दिखते थे जब आप विपक्ष में थे, पर अब नहीं दिखते, कुर्सी पर है। देखिए जो किसान है वो खेतों में है और अपना काम कर रहे हैं। देखिए पहले तो ये मान लीजिए कि किसान है कि नहीं है, पहले यही डिसाइड कर लीजिए, फिर आगे तो बाद की बात है, सब कुछ बाद में डिसाइड। मुझे नहीं लगता कि विवेक से भी कोई हल निकलने वाला है। विवेक विवेक भाई मैं एक चीज ये कह रहा था कि ये भी कहीं ना कहीं आप लोग की कमियां हैं कि एक साल बीत गया और आप ये नहीं पता लगा पाए कि ये किसान है या कौन लोग है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं जो ये अच्छी वर्ग लोग है तमाम दूसरे संगठनों के द्वारा, मुजफ्फरनगर से जो रिपोर्ट मुझे मिली थी करीब 20 लाख किसान वहां इकट्ठा हुआ धारा, मुट्ठी लोग मुट्ठी भर लोग बता रहे हैं। अब देखिए मुजफ्फरनगर की जो रिपोर्ट हमें मिली थी, हाँ, उसमें कहां से बसें गई थी। अच्छा, किसान ट्रैक्टर जाता किसान बसों से नहीं जाता। अच्छा, पंजाब से जब ट्रैक्टर, सुनो विवेक भाई, जब ट्रैक्टर आता है दिल्ली में तो दंगाई आपको दिखाई देते हैं, बस से जब जाता है तो वो किसान नहीं दिखाई देते हैं। और सुनो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको हम ज्यादा नहीं कह रहे, हो सकता इस बार आपको विधायक टिकट मिल जाए, हो सकता 98 वाली लिस्ट में आप भी जीत जाओ,
ठीक है, लेकिन जिन जिन लोगों ने जैसे व्यवहार किया है हिसाब आना पाई का होगा। आप भी हमारी दरी पे बैठते थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में जब सुगर मिल पे आंदोलन चल रहा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी दरी पर बैठे थे, वही राकेश टिकैत है, वही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम हटाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर बुद्धि ना खुली तो बचा कोई नहीं पाएगा। एकदम स्पष्ट सुन लो, कोई नहीं बचा पाएगा। और गांव में जाने की तो तुम्हारी छोड़ दो, शहर में कोई आंदोलन कर लो, शहर में कोई जन यात्रा कर लो, मंत्र यात्रा कर लो, भोजन बैठक और विश्राम, भाजपा के तीन काम, शाम को बैठ के डिबेट पे बैठ के झूठ बोलना, इसके अलावा भाजपा के पास कुछ नहीं है। भाजपा का एक ही नारा है, भोजन बैठक और विश्राम, और शाम को टीवी पे बैठ के झूठ बोलना काम। क्यों विवेक? अच्छा हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं आपकी बात। विवेक जी सुन लीजिए, मैं एक सवाल और ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, पूरा समय देता हूं आपको। संतोष यादव जी हैं आरएलडी से हमारे साथ बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम में आपके कुछ नेता गए थे कुछ गांव वाँव में दौरे ओरे पर किसानों से मिलने, लोगों से मिलने, तो वहां उनका स्वागत भी सही तरीके से नहीं किया गया और जिस तरह से किया गया वो बता नहीं सकते। क्या है भाई, क्या बात है? हमारे पुराने साथी हैं और तमाम आंदोलनों में हम लोग एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये पुराने साथी कह कर कर ही आप लोग ने एक साल बिता दिया है। देखिए विषय ये है कि जो बातचीत है यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि जब विवेक भाई सत्ता में नहीं थे तो मुरली मनोहर जी, लालकेश आडवाणी जी, राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के ना जाने कितने अब्बास लोग हमारी मीटिंग में आते थे। हमारे वहां जो पल्ली, वो यूरिया की हम लोग पल्ली बना के जो है बोरी जो खाद वाद डालने के बाद बनाते हैं उस पल्ली पे बैठते थे। आज हम इनको किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अरे तो भाई वही हरनाम सिंह, वही खेत, वही थोड़ा, वही डंडा, वही झंडा, वही ट्रैक्टर। तब आप पल्ली पे बैठते थे, अब आप बस से आ रहे हैं। चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सामने बैठे हैं। क्यों विवेक भाई, तब ये लोग पल्ली में बैठते थे, अब बसों से आ रहे तो किसान कैसे माने जाएंगे? हम आप दोनों लोग सहयोगी रहे हैं, इनके साथ हम तमाम धरनों में बैठे हैं, हर बार हमने इनका सहयोग किया है। ये मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हो गए थे, उनकी वहां से छुड़ाने में भी हम लोग इनके लिए लगे रहे। इस बार सहयोग नहीं करेंगे कह रहे हैं कि नेता नहीं, बड़े पुराने विधायक हैं। इस बार ना विवेक भाई ये कह रहे हैं इस बार हम सहयोग नहीं करेंगे। बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। विषय ये है जो बात जिन कानूनों पे हो रही है उनको जो ये सिरे से काला कह करके जाते हैं और बात की टेबल पे आके तो आप भी तो कहते हैं कि किसान नहीं है ये, उससे ये काला कहते हैं तो आप कहते हैं किसान नहीं है। अरे विषय देखिए बातचीत की टेबल पे या सब लोग के तख्ती लेकर क्या बात कितना ही कर सकते। अच्छा, वहां पे खुले मन से आना होगा, आपको बताना होगा कि मैं गलत क्या है। तो आप लोग भी तो बीच में नहीं गए ना इनके, कहा कि हम कहिए तो डेढ़ साल तक होल्ड कर दें। आप लोग भी तो इनके बीच में नहीं, नहीं है, कह रहा हूँ आप लोग भी तो इनके बीच नहीं गए जहाँ ये लोग बैठे हुए कि चले जाए वहीं पे कुछ किसी को भेज दें, कुछ बातचीत हो जाए, कुछ समझ लिया जाए। नहीं नहीं ऐसा 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 नहीं, हमारे तमाम किसान मोर्चे के वरिष्ठ लोग, हमारे नरेश सिरोही जी जो हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तमाम लोग होंगे, इनसे वार्ता हुई, इनके संगठन के लोगों से मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसा नहीं कि वार्ता के टेबल पे संगठन निर्मल कर दिए दरवाजे। निष्कर्ष क्या निकला सर? लेकिन समस्या वहाँ ये है कि चिट्ठी मेरी, पटनी मेरी, ऊंट मेरे बाप का, सब कुछ होने के बाद अगर फूटा यही गड़ेगा तो इससे बात कैसे आगे बढ़ पाए। मतलब मना नहीं पा रहे हैं आप, बातचीत खुले मन से होनी चाहिए। भाई आप बताइए ना उन तीन कानूनों में काला क्या है? काला ये है कि एमएसपी हमको नहीं मिल रही विवेक भाई, और इस बार हमारा धान तैयार लगा है और जिस दिन धान कटेगा हम आपको ढूंढ के अपने ट्रैक्टर पे बैठा के ले जाएंगे और आपके माध्यम से ही बयान दिलाएंगे।
हम तो इस बार सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक मिल जाए तो उनको लेके जाए और उनको मुखौटा पहना दे और बता दे कि देख लो इसमें काला ये है भैया, एमएसपी नहीं मिल रही विवेक भाई, लड़ाई और कोई है नहीं। और अगर आप ये तीन काले कानून वापस ले ले तो हम निर्विरोध बनाने के बाकी राजनीतिक दलों से भी हम बात कर लेंगे कि 5 साल इनका और मौका दे दो। लेकिन आप जो हठबाजी कर रहे हो, ये हठबाजी इस देश में नहीं चलेगी और गुजरात का कानून उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश का कानून उत्तर प्रदेश में चलेगा, उत्तराखंड का कानून उत्तराखंड में चलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। हमको एमएसपी चाहिए, कुछ कह रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, नहीं मिला तो आंदोलन चल रहा है, चलेगा और आगे चलता रहेगा जब तक आप सत्ता से बेदखल नहीं होते। हाँ विवेक जी, क्या कह रहे हैं? हरनाम जी, सरकार समय समय पे एमएसपी बढ़ाती जा रही है, दलहन तिलहन को भी एमएसपी के दायरे में लाने का सरकार ने किया है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं क्रय केंद्रों की अधिकता नहीं, क्रय के ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं खोले जाएंगे तब तक सामान्य एमएसपी का लाभ दे पाना संभव नहीं। आप क्रय केंद्र ज्यादा से ज्यादा बात करिए, आप ग्राम पंचायत स्तर पे क्रय केंद्र की बात करिए, आप मांग दूसरी कर रहे हैं जिस मांग से आपको कोई लाभ नहीं। ये तो आपका एजेंडा था, ये तो आपका एजेंडा था कि हम गांव स्तर पर गोदाम बनाएंगे, वो कहां चले गए गोदाम? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि किसान को दूर ना ले जाना पड़े, खेत में तैयार करे, पीठ पे लाके कांटे पे डाल दे, वो कहां चले गए गोदाम? उत्तर प्रदेश का एक गोदाम बता दे भारतीय जनता पार्टी की इस गांव में गोदाम बना है। ये देखो, कहने से काम नहीं होगा। हमने जितने देश के राजनीतिक दल थे सबको इतनी दूर कर दिया कि आपको कोई टच ना कर सके। वो आप काम क्या करने लगे, लाला अडानी, लाला अंबानी, उनको ट्रेन दे दो, उनको हवाई जहाज दे दो, उनको बैंक दे दो, उनको किसानों को गिरवी रख दो, ये देश में नहीं चलेगा। हमारे ही किसानों के बेटे जो पुलिस में है वो भी हमारे किसानों के बेटे हैं, जो रक्षा करते हैं बॉर्डर पे वो भी हमारे किसानों के बेटे हमारे ही बेटे हैं। आप बताओ अडानी और अंबानी का क्या है इस देश में? तो आ जाओ, आप कहो अंतरात्मा पे हाथ रख के कि ये तीन काले कानून अच्छे हैं, दिल पे हाथ रख के कहो तो हम विचार करेंगे, कहो खुलेआम। जो लोग हल्ला मचाते, चलिए विवेक जी की आवाज नहीं आ रही है। संतोष जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा कि अब आगे की क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश में, 2022 का चुनाव है, बहुत ही कम समय है और अपनी बात पूरी। देखो ये है कि पहले तो हम विवेक जी को धन्यवाद देंगे कि ये अपनी झूठी सरकार का बचाव करते हैं और ये अंतरात्मा से किसानों के साथ में है, क्योंकि ये भी किसान है, ये किसानी से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी लेकिन बीजेपी का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। ये इनकी अंतरात्मा की आवाज है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ, नहीं मैं बहुत करीब से जानता हूँ इनको, ये भी किसान है, किसानी अभी भी करवाते हैं, इनको किसानों का दर्द पता है इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी आप ये देख रहे हैं कि ताली और थाली बजाने वाली सरकार है ये अगर संतोष भाई लग गए टिकट लेने में, हाँ टिकट लेने में लग गए तो ये तो बचाव करेंगे क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सही, कहीं से मिल रहा? हाँ, विवेक भाई आपको नहीं देंगे, ये देंगे नहीं, ये किसान है इसलिए नहीं देंगे। अगर एक किसान न होते तो शायद इनको टिकट मिल जाता है, अडानी अंबानी के परिवार से जुड़े होते, ये बनिया होते तो शायद इनको टिकट मिल जाता, लेकिन ये नितिन विवेक जी हैं, इनको टिकट मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर इनको टिकट दे भाई, ये विधायक बने, हमारा तो इनकी शुभकामनाएं मेरी रहेंगी, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे हैं, किसानों से इनको हमदर्दी है। बात यह है कि आप देख रहे हैं कि ये वो सरकार है जो कोरोना जैसी महामारी को ताली और थाली बजा के भगाती है। किस तरीके से भगाती है? ताली और थाली बजाओ, कोरोना यहां चला जाएगा। तो इन्होंने सोचा था कि हम किसानों को भी ताली और थाली बजा के दिल्ली से भगा देंगे, लेकिन किसान तो वो चीज है जो धरती का सीना चीर के वो अनाज पैदा करके पूरे देश का
पेट भरने का काम करता है, जिसमें हम भी हैं और आप भी हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो किसान का दिया हुआ न खाता हो, वो चाहे जिस पद पे हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, लेकिन खाना वो किसान का दिया हुआ ही खाता है, पशुपालक द्वारा पैदा किया ही दूध वो पीता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार है, इसको भगवान सद्बुद्धि दे, किसान के विषय में सोचे, उसको तालिबानी कहना, पाकिस्तानी कहना ये छोड़े, ये कहना छोड़े कि वो चंद मुट्ठी भर किसान है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि हरियाणा का एक SDM, विवेक जी आप सुने होंगे, समय का बहुत कम है, जरा जल्दी, हरियाणा के एक SDM ने कहा कि किसानों पे कोई भी किसान अगर आंदोलित करता हुआ पाया जाए तो उसकी खोपड़ी फूटे बगैर वो वहां से नहीं जाना चाहिए। उस सरकार को, जो हरियाणा की सरकार है या केंद्र की सरकार है, उस SDM को ये बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको बर्खास्त नहीं किया, उसको नौकरी से नहीं निकाला। चलिए चलिए, तो ये आप अंदाजा लगाइए कि ताली और थाली बजाने वाली सरकार ये किसानों को क्या दे पाएगी। ताली और थाली, हरनाम जी 30 सेकंड है, मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि अब आगे की क्या रणनीति है, क्या इसी तरह सब चीजें चलती रहेंगी या कुछ और आप लोगों के मन में बना हुआ है अभी भी? नहीं, हम देखो, हमारे यहाँ कोई अलग से कोई चीज नहीं बन के आती है। हमारे वहाँ जिस पहले दिन आंदोलन चला था, और देखो ये जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, ये किसान वहाँ से वापस नहीं जाएगा। हम मर भी सकते हैं, हम मर मिट सकते हैं, हम फांसी के तख्ते पे चढ़ सकते हैं, पीछे भी जो हमारे देश आजादी में शहीद हुए बालक थे वो भी हमारे थे, आज जो 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए वो भी हमारे बेटे हैं, हमारे घर परिवार के हैं। तो 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक के हम पीछे आंदोलन नहीं लेने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। और फिर अब अगर ये कानून नहीं वापस लेते हैं तो इनकी सत्ता वापसी का काम शुरू। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस गंभीर विषय पर जुड़ने के लिए। तो साथियों, आज कृषि कानून के 1 साल हो रहे हैं, किसान अभी भी सड़क पर है, सरकार से नाराज है, और उनका यही कहना है कि अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम अभी भी इसी तरह से बैठे रहेंगे। लेकिन इसका जो आईना है वो आने वाले दिनों के 22 के जो चुनाव हैं, वो 5 राज्यों में जो होने हैं, उसमें सत्ता दल को दिख जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार बातें मानती है या फिर ये लड़ाई और गंभीर रूप लेती है। आज की डिबेट में इतना ही, हमें दिजन्मति नमस्कार। नौजवानों को कुछ बता को नहीं जोड़ा।